Assalamualaikum, welcome to my channel. I hope आप लोग सब ठीक होंगे. आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा चिली पनीर. तो चलते हैं उसकी रेसिपी की तरफ. सबसे पहले आप लोग ले लीजिए एक अदद प्याज, जो कि थोड़ी साइज में बड़ी हो. और उसको आपको इस तरीके से उसके पीसेस कर लेने. फिर आपने एक अदद शिमला मिर्च लेनी है, और शिमला मिर्च को भी आप सेम क्यूब्स में कट कर लें. फिर अब इसमें आप तेल डाल दें कढ़ाई में, तकरीबन आधा कप, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं. उसके बाद आप 3 से 4 अदद चॉप्ड लहसुन डाल दें, और फिर बारीक कटे हुए जूलियन कट जो है अदरक डाल दें. और जी इसको आप जो है हल्का सा फ्राई करेंगे. हमें इसको ओवर फ्राई नहीं करना है, जस्ट लिटिल बिट. देन हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे, और अपने चूल्हे की जो फ्लेम है वो आपने मीडियम रखनी है, स्लो भी नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं. अब इसके अंदर मैं जो है कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ, और फिर जो है केचप डाल रही हूँ. नमक थोड़ा कम रखिएगा शुरू में, क्योंकि हम इसमें सॉसेस डालेंगे तो कहीं तेज़ ना हो जाए. फिर इसके अंदर मैं विनेगर डाल रही हूँ, सिरका जी. उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चिली सॉस या हॉट सॉस, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डालेंगे हम इसके अंदर. और फिर इसमें हम डाल रहे हैं जी सोया सॉस. और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पनीर. और जी हमारा मज़ेदार सा ये जो इस वक्त चिली पनीर बन रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा. आप इसको बना के ज़रूर देखिएगा. इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है सर्दे से कट करके, और आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च. और इन सब चीज़ों को जस्ट सौते करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि हमें सब्ज़ियाँ थोड़ी क्रंची चाहिए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं चाहिए. हमारा मज़ेदार सा जो है चिली पनीर तैयार है. पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.